इसके बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे माँ का दूध पूरा मिलना चाहिए और माँ के दूध के साथ साथ उसे घर में बने पदार्थ उसको मिलने चाहिए। यहाँ पर कोई भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो बाजार में कई नाम से प्रचलित हैं, जिन पर सुंदर सुंदर बच्चे बने रहते हैं, और वो नहीं काम में लेना चाहिए। घर में बना हुआ सामान्य भोजन बच्चे को देना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, सूजी है, हलवा है, दाल है, राबड़ी है, उपमा है, साबूदाना है, खीर है, पोहा है, चावल है, उबले सब्जियां हैं, पके फल हैं, ये सब चीज बच्चे को हम दे सकते हैं, मुरमुरे हैं, ये सब प्रकार की चीजें बच्चे के लिए उपयोगी है। कई लोग बिस्किट देना पसंद करते हैं, वे भी दे सकते हैं, अधिक यूज अच्छा नहीं है। कई लोग ब्रेड देना पसंद करते हैं, वे भी दे सकते हैं, अधिक देना अच्छा नहीं है। इसी के साथ में बच्चे को 6 माह के पश्चात ऊपर का दूध शुरू कर देना चाहिए ताकि उनमें अनीमिया डेवलप नहीं हो, लेकिन दूध की मात्रा सीमित होनी चाहिए और वो उसे कटोरी चम्मच से देना चाहिए, बॉटल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। यदि हम इस उम्र के बच्चे को अधिक दूध पिलाते हैं तो उनमें धीरे धीरे दूध पीने के साथ साथ उनका वजन तो बढ़ता जाता है, लेकिन अनीमिया और बढ़ता जाएगा और कब्ज की समस्या उन बच्चों में होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि सीमित मात्रा में ऊपर का दूध और असीमित मात्रा में घर का बना खाद्य पदार्थ उसको मिलना चाहिए, माँ के दूध को कम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब बच्चा हमारा 1 वर्ष का हो जाता है तो सामान्य घर में जो बनने वाला भोजन है, हर प्रकार का भोजन का स्वाद उसको होना चाहिए और कभी भी उसको डिब्बा बंद आहार की ओर नहीं जाना चाहिए।